हेलो नमस्ते भाई लोग। हम लोगों का यह एक फेमस डायलॉग है, वो डायलॉग बोलू क्या? ओके, तो यहाँ से हमारा आज का घूमने का जर्नी स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तक किसी को पता नहीं है कि हमें कहाँ पे लेके जा रहे हैं। एनी गेस सर? लाल किला। लाल किला, ओके। एनी गेस भाई? भाई तो सो रहा है, भाई को कुछ मजा ही नहीं है, भाई अभी नींद में है। चलो देखते हैं कहाँ लेते हैं। चलो चलो हम अपने भाइयों के साथ बात करके आते हैं ना, एक मिनट यहाँ पे रुके, आराम से जाएंगे हम लोग। तो भाई लोग कहाँ पे लेके जा रहे हैं, आपको कुछ पता है? एनी गेस? लाल किला। ओके, आप लोग को लाल किला, लाल किला सभी का एक्साइटमेंट है ना, लाल किला लेके जाएगा। हाँ, ये लोग सोता ही रहता है, ये लोग काम का नहीं है। ये हमारे भाई लोग यहाँ पे बैठ गए ना। हेलो, बढ़िया। एनी गेस कहाँ पे लेके जा रहे हैं? लाल किला जा रहे हैं। लाल किला जा, लाल किला जाने के लिए। ओके ओके, थैंक यू। आप लोग को कुछ पता है कहाँ पे हमें लेके जा रहे हैं? लाल किला इंडिया गेट। लाल किला और इंडिया गेट। ओके, अरे ओके। भाई लोग यहाँ पे सो रहे हैं, इनका एक्साइटमेंट थोड़ा कम है, इनको जस्ट जाना है। ओके, ये भाई लोग से हम कल मिले थे, किसी को याद है? हम लोग आज जा रहे हैं दिल्ली दर्शन के लिए, जा रहा है दिल्ली दर्शन के लिए। दिल्ली में बहुत सारे इंडिया गेट है, रेड फोर्ट है, शायद हम इंडिया गेट में जा रहे हैं। बहुत आशा है ये सब जगह में घूमने का। आप लोग कोई चाहते थे, बनते रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए। ओके, बढ़िया। तो भाई लोग में मतलब बहुत जोश है, हम लोग को कहीं कहाँ पे लेके जा रहे हैं पता नहीं। ओके ओके, चलो नया चैनल है आदिश ब्लॉग 01 बोल के। ओके, आदिश ब्लॉग 01। ओके, गुड गुड। चलो ये सभी हमारे असम के बंदे हम लोगों का यह एक फेमस डायलॉग है, वो डायलॉग बोलू क्या? जी जी, क्यों नहीं। क्या सर, चश्मा हटाओ ना सर। ओ माय गॉड, ये चश्मा हटाओ ना सर। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? यार हाथ धो के आओ ना यार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे साइकिल देख के भी बहुत मस्त लग रहा है। ये वाला हाईवे है ना, तो यहाँ पे साइकिल के लिए भी इधर एक रास्ता बना के रखा है। और देख सकते हो ये रास्ते के जस्ट लेफ्ट साइड में और एक रास्ता है, ओनली फॉर द साइक्लिस्ट। तो यहाँ पे एक लेन वे है। तो हे गाइस, हम पहुंच गए प्रधानमंत्री संग्रहालय। अरे भाई लोग आगे चले गए और इधर भी भाई लोग आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, मतलब हमें घुमाने लेके आए तो कुछ नया चीज देखना है ना। तो यहाँ पे चेकिंग वेकिंग होता है, इतना बड़ा जगह है तो इसीलिए। ओके, हम आगे हैं। ओके, तो अंदर पूरा यहाँ पे चेक कर रहे हैं। चलो देखते हैं, कुछ बढ़िया ही दिखेगा। चेकिंग होने के बाद हमने यहाँ पे लाइन में खड़ा होने के लिए बोला। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये रेल आगे बढ़ रहा है, आप लोग ओके। ड्यू टू लेस इन्फॉर्मेशन, हमारे अभी लेफ्ट साइड में एक ब्लॉक वन था, तो हमने ये ब्लॉक मिस किया, तो इसका इन्फॉर्मेशन मैं दूसरे वीडियो में। यहाँ पे ये मॉडल का पूरा एक बना हुआ है। ओके, तो अब हम ब्लॉक वन मिस कर गए, ब्लॉक टू की ओर बढ़ रहे हैं। तो ब्लॉक टू में जो दिखेगा हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं एंट्री, ये आपको ऊपर से दिख रहा है, आपको थोड़ी देर बाद में एक भी दिखा देंगे हम लोग।
यहाँ पे भाई लोग हमारे फोटो शूट कर रहे हैं। यहाँ से भी उतर के हम जा रहे हैं नीचे और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये भी जगह थोड़ा मस्त लगा है। तो ये बिल्डिंग इतना बढ़िया है ना के हाय मिलते हैं यहाँ पे सभी का फोटो शूट चल रहा है। ओके यहाँ से म्यूजिक के एंट्रेंस है हमारे लिए खोल दीजिए थैंक यू। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ये लोग दिखा रहे हैं के ये सब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये ऐसा हो रहा है। They all came together by making a committee to bring all the regions united together in India to become a united India. So basically unka contribution yahan pe 10 minutes ka diya hua hai. तो हम अभी ऊपर आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम मशीन ओके बहुत कुछ दिखेगा आपको इधर। ओके कैन यू गेस हु इज इट। ओके तो इन्होंने सब बोल ही दिया। बैडमिंटन रैकेट दिस इज द बैडमिंटन दैट वी यूज्ड टू प्ले विद। ये वुडन बैडमिंटन है एंड दीस आर द डिग्रीज दैट ही एक्वायर्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ जबलपुर डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ लॉस एंड रुड़की विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ लॉस। एक कॉपी है ना ओरिजिनल तो नहीं है। So basically these are the you know drafts. Basically it's you. So Shastri ji, the amount is 1,04,823. Okay. चलो उनका पासबुक भी देख के आएंगे। ठीक है इससे चरखा यानी कि टाइम में छोटा छोटा चरखा था। ओके दिस इज द चरखा दैट ही रिसीव्ड इन हिज वेडिंग एज अ डाउरी। Basically he was asked what would you like to have in your dowry and he was a very simple sorted man so he just said I would like to have a charkha. Charkha unke dahej mein aaya tha aap bol sakte hain। Jai jawan jai kisan। He died in Tashkent। He went to Tashkent for Tashkent agreement and his death is still a mystery. Nobody knows the real cause of his death. This vase he has received from Tashkent. I would like to give this, Tashkent. Okay. This video. It's called Fire. Hindu Bagh War 1965. Hindu Bagh War. Wow. Wow. Here. Film size. The ecological debris of war. बोलिए So India accepted an offer by the Soviet Union to mediate between India and Pakistan. A peace conference was scheduled on the 4th to 10th January 1966 in the capital of Uzbekistan, Tashkent.
और युद्ध विराम को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये एक बड़े आक्रामक परिदृश्य की शुरुआत सिद्ध हुई। 1965 की शुरुआत में पाकिस्तान की सेना ने छल से आक्रमण की अपनी पुरानी रणनीति को दोहराते हुए जम्मू और कश्मीर में प्रवेश किया। लगभग 10,000 सशस्त्र घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा को पार कर हमला किया, जिसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन जेलो का नाम दिया। We don't know the real cause of his death. I guess everybody must have watched Tashkent Files. Yes. It's still a mystery, and I can't give any specific answer for that. What reason was there? We didn't hear. संजय गांधी एंड राजीव गांधी। Which one? Basically, 1970. Pakistan was divided into East Pakistan and West Pakistan. Yeah. And basically, Indira Gandhi was the one played a very crucial role in making Bangladesh independent. Because you know, they were dominating these Bangladeshis and they were not providing, they were not taking their needs and they were struggling a lot. So basically, they wanted to have a separate nation for themselves, and that's how Bangladesh. Indira Gandhi got assassinated on October 31st, 1984. And that was an assassination done by her two own bodyguards. Basically, every prime minister needs to follow a protocol. Before going anywhere, they need to wear a bulletproof jacket. In the morning hours, she was going to give an interview and the office was in the same compound of her bungalow. Her two bodyguards came and started firing. She had 30 bullets and she was shot. And in that hustle, one of the killer got shot by the soldiers over there and ek ko hai na lifetime imprisonment ka saza diya. So this is the replica. So sab kuch mila hua hai. Let's थोड़ा आराम करके चलते हैं सभी को मिल के सभी के साथ। श्री मोरारजी देसाई। तो यहाँ पे आई थिंक गांधी जी स्टोपी। ओके लेट्स सी। Now we have some personal belongings of him. Very much fond of wearing Mahatma Gandhi's topi. The topi and he was a very spiritual man. Bhagavad Gita, Tulsi Mala for chanting. Peace.
कुछ नहीं, इतना अभी कोई बसता भी नहीं है क्योंकि द टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत पहले से हमारे Basically, Charan Singh was the first Prime Minister to not face the Parliament. He was the first Prime Minister who didn't have to face the Parliament, and he became the Prime Minister. The architecture that we saw from outside, basically, it had layers, and I told you that these layers are the hands of the Prime Minister. Are you able to see the resemblance between both the architecture, Ashoka Chakra, yes, and the hands? So basically, right now we are standing in that building. जो बाहर से हमने पूरा आर्किटेक्चर देखा था अशोका चक्र एंड एवरीथिंग, राइट नाउ वी आर इन दैट ब्लॉक. श्री राजीव गांधी जी, ही वाज द सन ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी एंड फिरोज गांधी, एंड ही वाज आल्सो द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर असासिनेटेड ऑन अक्टूबर 31st 1984. ऑन द सेम डेट ही वाज मेड द प्राइम मिनिस्टर. ही स्वॉन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड देन आफ्टर इट वाज डिक्लेयर्ड दैट ही वाज नो मोर. राजीव गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया. राजीव गांधी जी विजन वॉज दैट एनी कंट्री कुड डेवलप ओनली वेन इट विल स्टार्ट डेवलपिंग इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो ही यूज्ड टू पुट सो मच ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज वर्किंग टेन्योर एंड दैट कनेक्टेड रूरल वर्ल्ड रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज. देख ही सकते हो, मैम हमें एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. तो वही मैम के साथ देखते देखते आगे बढ़ते और जानते हैं यहाँ के बारे में क्या है क्या नहीं. आपको तो वीडियो में पता ही चल रहा है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड टेक नॉलेज ऑल अबाउट दिस. And side by side you can see the pictures, some pictures of our prime ministers, starting from MJT Manmohan Singh. IIT and IIM was one of the projects that Nehru ji was leading. That was his dream project, to have a national colleges for management and technological studies. So IIT Kharagpur was the first IIT that was established in the year 1950. And IIM Kolkata was the first IIM. It was held in Delhi, 1951. Shrimati Vijaya Lakshmi Pandit, she is the sister of Nehru ji. And she was also the president of United Nations General Assembly. दो ईयर का गैप बना दो मैम के साथ तो भी कुछ नहीं होगा. टेलीविजन गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन 1959. सत्यजीत रेस फिल्म अपू संसार. आरती शाह फर्स्ट वुमन टू स्पीक स्विम एक्रॉस इंग्लिश चैनल. ओके हमारे मिल्खा जी. आईएम कोलकाता 1961. ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. वीडियो कॉल कर रहे हो ना, थोड़ा रुक जाओ वीडियो में. ओके ओके अंडा
बैंक नेशनलाइज्ड हुआ था 90s के दौरान थोड़े इयर्स आपको नाइन्थ एशियन गेम दिल्ली में ये देखो। ओहो हमारे ICC वर्ल्ड कप 83 एंड राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन काउंसिल फोर्थ से आए थे। अग्नि वन मिसाइल टेस्ट तो फर्स्टली कह रही हूँ लिटर टू डिस्ट्रिक्ट ओके क्या है ऑपरेशन शक्ति ये रॉकेट झूल रहे तो हमारे इंडिया गेट ओके हमारे टाइगर हिल का साइलेंट रॉक आ गया यहाँ पे साइलेंट रॉक फ्रॉम टाइगर हिल India United Civil Nuclear Energy Corporation. मैं तो कहाँ से प्रोजेक्ट हो रहा है वहाँ से हम करेगा चलो नमस्ते भाई लोग ऐसे लग रहा है दौड़े मुन के खड़े आपका यूट्यूब चैनल है अभी जस्ट खुल ओके तो अभी हम वहाँ पे घूम के बहुत ही सारा कुछ देखने को मिला सीखने को मिला आप लोग को भी दिखाएंगे एंड अभी आ गए यहाँ के कैफे में लेट्स सी कुछ आता है क्या ओके कैफे बोलने से मुझे दी तो ओके नाइस भैया से अपने घर के लिए कुछ कुछ ले लिए गाली वाली ना मिले
अपना नहीं है बहन के लिए, तो अभी नहीं बाद में बोलेंगे जब घर में देंगे, उनका रिएक्शन भी लेंगे। अभी चलिए मिलते हैं, बढ़िया आउटलुक था। ओके हमारे आइडल ये चारों तरफ सर से प्रोजेक्ट हो रहा है। हमारे अटल वाजपेयी जी, हेलो मोदी जी, तो हमारा हो गया यहाँ पे म्यूजियम पे व्यू हो गया, मतलब जो जो देखा वो आप लोग को दिखा दिया। देन अभी यहाँ पे एक वो था एड ऑन, मतलब बोल सकते हो तो ये सब हमें करवाना था, बट टाइम ऐसा नहीं था कि करवा या नहीं करवा। पर अभी बस में भी जाना है तो जो देखा है उतने में ही आपको दिखा पाया। एंड फिर मिलेंगे आगे, तो अभी बस में मिलते हैं। तो यहाँ पे सभी जगह से देखने के लिए आते हैं, फिर ग्रुप पिक लेना नहीं हुआ, कोई नहीं देखा। हाँ वो तो है। तो सभी रेडी हो गए जाने के लिए, हम भी निकल रहे हैं। कोई देखे हेलो, हम आ रहे हैं पीछे 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 था पीछे वाला। ओके हेलो सभी ब्रो लोग हमारे उठ गए हो, इधर है, अरे पीछे वाला है शायद से कि हेलो टाटा। हम अभी यहाँ पे थोड़े बस रुक गए बिकॉज सभी बंदे नहीं आए ना, एंड हम निकल गए यहाँ से